हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ वह है गाजर का हलवा। आप देख रहे हैं कि गाजर मैंने कस के रखा हुआ है, पहले से ही तैयार करके रखा है। तो गाजर का हलवा सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो क्यों ना इस गाजर के हलवे को इस सीज़न हम इंजॉय करें और सीज़न का मज़ा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाजर के हलवे की रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट हमारे लगेंगे वो इस तरीके से हैं। आपको लेना है लगभग 1 किलो गाजर। मैंने यहाँ पर गाजर को कस के रख दिया है, इसको आपको धो के छील के कस के रखना है। 1 ही किलो आपका दूध लगेगा। ये दूध मैंने अमूल फुल क्रीम दूध इस्तेमाल किया है, आप फुल क्रीम का ही यूज़ करें। 1 किलो गाजर में 1 किलो दूध, 250 ग्राम चीनी, लगभग 1 पाव चीनी, आपका 100 ग्राम के लगभग आपका घी, शुद्ध देसी घी, 30 आपके बादाम, लगभग 25 किशमिश और 8 आपकी इलायची। इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना हलवा बनाना। अब हमें सबसे पहले गाजर जो हमारी घिसी हुई है उसका पानी हम हाथों के मदद से प्रेस करके निकालेंगे। आप देख रहे हैं, हम थोड़ा सा गाजर हाथ में लेंगे और उसको स्क्वीज कर लेंगे, अपने हाथों की सहायता से प्रेस करके उसका पानी बिल्कुल अलग कर लेंगे। और इसी तरीके से हम गाजर को पानी इससे गाजर से अलग कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा हलवा जो है बहुत खिला खिला बनेगा, वो आपस में एकदम ऐसा नहीं होगा, मतलब खिला हुआ दिखाई देगा वो बहुत। अब पूरा पानी निकाल लिया है और हमारी कढ़ाई आप देख रहे हैं गर्म हो रही है अच्छी तरीके से। अब हम इस गर्म कढ़ाई में कुछ भी नहीं है और इसके अंदर हम पहले गाजर, घिसी हुई गाजर जो है उसको छोड़ेंगे। और आपको इस गरम कढ़ाई के अंदर इस गाजर के पानी को अच्छे से सुखाना है ताकि पानी बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। ये कम से कम आप 3 से 4 मिनट तक आप इसको ऐसे चलाते रहेंगे और पानी सूख जाएगा इसका। अब आप देख रहे हैं कि गाजर बिल्कुल सूख चुकी है और ये ड्राई हो गई काफ़ी। अब इसके अंदर टाइम आ गया कि हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसमें हम पूरा 1 किलो दूध ऐड कर देंगे और इसके बाद धीमी आंच में हम इसको चलाते जाएंगे और हमें उतनी देर तक इसको चलाना है जब तक कि ये दूध पूरा सूख नहीं जाता है, पर आपको इसको लगातार चलाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि लगभग आधे घंटा आप लेगा ये, आधा नहीं तो कम से कम 20 मिनट तो ये आपका लेगा। तो आप इसको आधे घंटे मान के चलिए। जब भी आपका दूध बिल्कुल सूख जाता है, आपकी गाजर इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तब हमारा ये हलवा तैयार होने की कंडीशन में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि मुझे लगभग 10 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए और ये अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं दूध के। तो ये हमारी गाजर पकनी स्टार्ट हो गई है, पर अभी हमें पूरा दूध सुखाना है इसका, तो इसमें टाइम लगेगा। तो अब मैं इसको अब लगातार चलाती रहूँगी और इसके दूध के पूरा इसमें एब्जॉर्ब होने का वेट किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अब हमें हलवा चलाते हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया, लगभग 35 मिनट हो गए हैं और अब हमारा दूध बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो हमने कढ़ाई में दूध डाला है वो बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। तो आप देख, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, बहुत हल्का सा बबल आ रहा है इसके अंदर। तो अभी हमें इसमें चीनी ऐड करनी है, लगभग ये एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब आप इसमें चीनी, जो हमारी 1 कटोरी चीनी है, लगभग 250 ग्राम चीनी, उसको हम इसके अंदर डालेंगे। और चीनी अपनी चाशनी में चेंज हो जाएगी और ये भी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी और ये भी इसमें पानी छोड़ेगी, तो उस पानी को भी हमें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करवाना है हलवे में। चीनी डालने के बाद आप देख रहे हैं कि चीनी इसके अंदर जैसे ही डाली है, थोड़ी देर के बाद चीनी ने बिल्कुल इसमें पानी पानी कर दिया है और इसमें चाशनी बननी स्टार्ट हो गई है। तो ये फिर से बहुत ज़्यादा लिक्विडाइज्ड हो गया है हमारा हलवा,
पर हमें से फिर से इसको ड्राई करना है हमें, और हमें तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि ये चीनी जो चाशनी है जो हमारी, ये बिल्कुल ड्राई होके इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमें इसको तब तक चलाना है, ये कम से कम 10 मिनट और लेगा आपका। 10 से 12 मिनट के बाद अब हमारी जो चाशनी है अच्छे से सूख चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ये दोबारा से ड्राई हो गया बिल्कुल। अब टाइम आ गया है कि हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। जो भी मैंने आपको बादाम बताए हैं या किशमिश और आपको इलायची बताई है, बादाम को हम उसके अंदर अब हमारे जो पतले कटे हुए बादाम हैं उसको मैंने काट लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, लंबा लंबा हमने इसको काट लिया और हम उसको आप देख रहे हैं कढ़ाई में, देखिए कटे हुए मैंने डाल दिया। इसके अंदर हम डाल देंगे बादाम और किशमिश को हम इसके अंदर और डाल देंगे। और इसके बाद आप इलायची डालेंगे, कूटी हुई इलायची, और उसको आप चलाएंगे। इसमें वैसे चाहें तो हम खोआ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने वो नहीं किया है क्योंकि उससे वज़न बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो आप इसके अंदर इसको हेल्दी रखने के लिए मैंने इसमें खोआ नहीं डाला है। अब हम लास्ट में अपना देसी घी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सबसे आखिर में आप ऐड करेंगे देसी घी इसमें। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया मैंने, ताकि ये आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नुकसान ना करे किसी भी तरीके से। इसको आप अच्छे से एक दो मिनट चलाएंगे और हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। अब हमारा गर्मा गर्म हलवा बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर आप खुद देख ही रहे हैं। अब इसके अंदर मैं और कटे हुए बादाम, जो लंबे कटे बादाम हैं, इससे मैं और इसको गार्निश कर दूंगी ताकि ये देखने में और ज़्यादा सुंदर लगे। अब फाइनली हमारा हलवा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। इसको मैंने डेकोरेट भी कर दिया है ऊपर से। अब आप देख रहे हैं ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से इस सीज़न में आप इस हलवे को बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने न्यू ईयर को। और इसी के साथ मैं चलती हूँ और फिर से एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए बाय। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और मेरे हलवे को बिल्कुल ट्राई कीजिए इस बार। थैंक यू।